हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है? और तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है। मैं बना रही हूँ इस टाइम चावल तड़के वाले, और मैंने एक प्याज ले लिया है, उसको मैंने काट के ऑयल में डाल दिया है। जैसे ये ब्राउन होंगे, उसके बाद मैंने जो चावल लिए हैं उसका डबल पानी डालूंगी। तो फिलहाल मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, ये देखें आप। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इनमें मैं पानी डालूंगी। फिलहाल मैंने टमाटर भी डालने हैं, ये तड़के वाले चावल हैं जो कि फैसल बहुत मज़ेदार बनाते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा बनाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, और मेरी रेसिपी जो है उसको भी अप्रिशिएट करें। मैंने जो है अभी ले लिया है ये हरी मिर्चें और टमाटर ले लिया है, और इसे मैंने अभी काट के मैंने प्याजों में डालना है। जी मामा, जी मामा, क्या? प्याज हमारे जो हैं काफी हद तक ब्राउन हो चुके हैं, और आप लोग सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन मैंने वीडियो बनानी बनानी है, जाए क्या करना है आप लोगों ने। आप मेरी वीडियो देखें ना देखें, लेकिन मैंने बनानी बनानी है। ये देखें, प्याज जो है हमारे काफी हद तक ब्राउन हो गए हैं, और मुझे ज्यादा ब्राउन ही अच्छे लगते हैं। आपको जिस तरह चाहिए आप उस तरह करें ब्राउन, लेकिन मुझे थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये जनाब हम डालने लगे हैं इसमें टमाटर और मिर्च। थोड़ा सा भी हो जाना चाहिए, आज भी निकल सकती है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। अब जनाब इसमें मैंने डालना है थोड़ी सी मिर्च, कम से कम एक चम्मच। ये मोटी पीसी हुई है तो ये ज्यादा तीखी नहीं होती, ठीक है। और इसके बाद जो है हम डालेंगे नमक, हसब जरूरत जितना आप इस्तेमाल करते हैं। और मैंने जनाब इसमें डाल दिया है पानी। जैसे ये पानी हो जाएगा उबलने लगेगा, उसके बाद हम ये डालने हैं चावल, ठीक है। अभी जो है जनाब पानी उबल गया है, और इसमें मैं डालूंगी चावल, ठीक है। इसमें मैंने ढकना चढ़ा दिया है चावल डाल के, और कम से कम 5 से 4 मिनट बाद, 6 मिनट बाद जो है चावल जो है उबलना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद दम के लिए तैयार हो जाएंगे। ये देखें अब तकरीबन हमारे चावल जो हैं वो दम के लिए जो है तैयार है, और इसमें अब मैंने डालना है धनिया। साथ में मैंने फीडर उबलने के लिए रख दिए थे, उसके बाद मैं शामियाना बनाऊंगी। ये हमने अभी डालना है इसमें धनिया, धनिया मुझे बहुत पसंद है इसमें चावलों में, और इसकी बहुत प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है। इसका फ्लेम हम कर देंगे कम, और इसके बाद मैं इसे रखूंगी दम के लिए, ठीक है।
अभी हम इसे लगाएंगे तल के लिए चावलों को। और ये जनाब हमारा खाना जो है तैयार है और चावल बहुत मज़े के बने हैं। मैं आपको टेस्ट नहीं करवा सकती फ़िलहाल तो, क्योंकि मैंने खुद खाए हैं। और ये जो है मैंने रायता बनाया है दही वाला, इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, नमक डाला है और ये मैंने इससे कुटा है, ये देखें। और अब हम लोग खाना खाने लगे हैं। ओके, प्लीज़ माय सब्सक्राइब चैनल। अल्लाह हाफिज़।